बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और गंदे गंदे कमेंट ना किया करें और खुद करने की कोशिश, कुछ हौसला रखें काम करने का, जो काम कर रहे हैं उनको डीमोनिटाइज ना किया करें। ये मेरे मामू की माशाल्लाह से सोच बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे मामू, मेरे पापा वगैरह, ये इन्होंने कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए और इनको गोल्डन प्ले बटन भी दिलवाए। ये इसकी मम्मा बैठी हुई है, ये सारे इसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। इसके पापा जो है वो जॉब पे गए हुए हैं। मैंने यहाँ पे अपना बकरा जो है डिसाइड कर लिया, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अरे मेरी मिम्मू, मिमी हेलो, ये बहुत मासूम है और ये बहुत शरारती है, ठीक है। ये दोनों जुड़वा है, एक मासूम है एक शरारती है, ठीक है। जैसे कि मैं मासूम और अली शरारती है। चलो नागिन 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 क्लैपिंग। मैं इसको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मूवी निकले पहले मामू कैसे, मैं नहीं गड्डी थले उधर ना भाई। आई एम डॉन लक दे कड़ाके वाला डॉन। आ चोरी ते फिर कंज होए हुंदी हुंदी टेट छिपी आ, मेरी शर्ट गंदी होई। हां ये अली ने मेहनत की, अली ने मेहनत की कमाई के लेके आया है। और दहा और तो ये अच्छा टेट छिपी रोनी ते मामा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस क्या हाल चाल हैं आप सबके, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आए हुए हैं हैप्पी पंजाबी फैमिली की तरफ, जो कि मेरे मामू जी हैं। और अभी हम लोग सारे बैठे, खाना शाना हमने खा लिया। आज हमारा सेकंड डे यहाँ पे है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, पहले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी बाहर। हम लोग सारे बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं तो बोर हो गई हूँ यहाँ पे बैठ बैठ के, तो हमें कहीं पे ले जाएं ले जाएं ले जाएं। तो अब हमारा जो है मूड बन गया है, मामू जी को हमने उठा उठ हुई ली है। तो अब हम लोग जाने लगे हैं खेतों में। आए देखते हैं बाहर सारे बैठे क्या कर रहे हैं। रेडी है सब? यस यस। ये आयशा जी, चलो आयशा सबसे पहले रेडी होके बैठी हुई थी। मैं भी रेडी हूं, मैं तो भगड़े वाला बड़े तोड़। जैन को कुछ ज्यादा ही खुशियां हैं, ये 10 दफा आके कह चुके आप ही उठ जा हुन, आप ही उठ जा हुन। ये अली उठ जाओ, चाबी निकालो। मां है ना, ये सब रब्बा दे बट्टा दे उते पंडा चकदी हुंदी सी पठिया दी। क्या बात है, आज गड्डी ते बैठ के भी नहीं जा सकदी। आज मन्ना अपना ढिड संभालने पड़ी कर ले भाई। भाई टेड सारा खानदानी है, ठीक है, उन्हें अवॉइड करो। अली तुम ज्यादा मशहूर ना कर दो टेड टेड करके। तू माशाल्लाह से खाते पीते घर की है तो फिर सबको नजर आता ही है। ये देखो मामी ने अपना खाना छुपा लिया। मामी अपना खाना नहीं दिखा रही। पूरे खेतों ने पठे लियाई दी, हर चीज लियाई दी सी। ओ देखो फिर साइड पे कर लिया, वैसे भी खत्म हो गया। मामी का अभी नंबर लगा है सारा कुछ। चलो मामी सबको पहले खिलाती हैं, फिर उसके बाद मामी खुद खाती हैं। चलो जी अजाना वगैरह हो रही ने, ठीक है, उसके बाद हम लोग अजान का जवाब देके निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को सारा घुमाते हैं अपने खेत शेत। A few moments later. चलो जी गाइस, हम लोग जा रहे हैं हमारा बेशरबे, ठीक है, खेत शेत। और ये देखें जी मौसम बहुत अच्छा हुआ है और ये सारी बारिश हुई है, ठीक है। पहले उन्होंने वाइपर लगाया, दोबारा बारिश हो गया, अभी हल्की हल्की सी रिम जिम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। चलो किस किसने जाने, ठीक है। हुसैन जैन तो सबसे पहले रेडी है, चलो भागो गाड़ी में, हम भी आ रहे हैं। इनको भी मैं जरा उठाऊं कब से। अली निकल आओ, निकल चलो 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 आ जाओ। चलो आयशा आ जाओ, चले मामू जी आ जाए। मामू आप नहीं जाना? अच्छा अच्छा, वैसे मम्मा आपका दिल कर रहा है ना जाने का? दिल कर रहा है, दिल कर रहा पैदल तोड़ के जावा। कौन से है? कौन से वाले? पापा पता, मैंने पापुलर। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग भी सारे देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। कोई फल छल लगा है हुए उधर? नहीं फल छल वाले नहीं है, नहीं है अभी फल छल वाले पौधे कोई नहीं है। चलो जी गाइस अब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये देखिए हाँ, ये देखें आयशा की फुल लुक और ये आयशा का जूता जो कि भी नया लेके आई है और इसे तोड़ भी दिया है। ये क्या उठा के ला रही हो? अच्छा ये फातिमा का कोट लेके आ रही है। चले जी चलो जी गाइस, हम फंस फूस के बैठे हुए थे। ये देखिए अब जो है जैन जा रहा है दरवाजा खोलने के लिए हवेली का,
अच्छा ही ना, वैसे हवेली में करने का यो बकरा लेने। हाँ वो कह रही है बकरा ही, किस कलर का लेना? बकरा ईद का बकरा भी जाके दिखाएंगे आपको, बताएंगे किस कलर का ले रहे हैं। ठीक है, भी नहीं अभी कोई आइडिया तो दो ना। तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? भाई माफी दे दे उस कलर की, जान छाड़ दे। तुमने मुझसे वादा किया था, इसने मुझे वादा किया था हीना, इसी पे मैं तुम्हें बकरा लेके दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे पिंक कलर का चाहिए। पिंक कलर का बकरा कहीं? हाँ जी, चिट्टा बकरा लेके उन्होंने पिंक कलर का मार दे। लड़कियों का फेवरेट कलर ही वो देखे जी। सामने हमारे बकरे भी नजर आ रहे हैं, चलो निकल के देखते हैं इधर से। चलो जी गाइस, हम अपनी हवेली शेरी में आ चुके हैं और हेलो मोमू, मोमू मिमी, ये छोटू सा है अभी। उसकी स्पीड चेक करो ना, ये आपकी दोस्त है। कहा इसकी मम्मा बैठी हुई है, ये सारे इसके छोटे छोटे से बच्चे है। इसके पापा जो है वो जॉब पे गए हुए है। ये लो जी, ये आगे सारे बकरे। ऐसे पिंक कलर का नहीं है इसमें कोई। केबी भाई, ये इनकी मम्मा। कौन? इनकी मम्मा। ये इनको खाना शाना खिलाती है, ठीक है, इनकी जो है देखभाल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। वो देखो जरा, अरे इसके ऊपर वैसे पिंक कलर हो सकता है, ये फुल वाइट है। ये बकरी है, तो तुम बकरी ले दो, हमने ईद के लिए बकरा लेना। चलो जी गाइस, बारिश वगैरह जो है अब थोड़ी कम हो गई है और हम लोग अब जाने लगे हैं मरब्बे शरब्बे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना बकरा जो है डिसाइड कर लिया, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अरे मेरी मिम्मू, मिमी हेलो, ये बहुत मासूम है और ये बहुत शरारती है, ठीक है। ये दोनों जुड़वा है, एक मासूम है एक शरारती है, ठीक है, जैसे कि मैं मासूम हूँ और अली शरारती है। आयशा ने मेरी बात पे गौर कर लिया और ये जो है इधर लगा हुआ है अली। हाँ तुम्हें पता है मैंने भी क्या कहा? क्या? छड़ो बड़े भी लोग थी, देख ली। चलो गाइस, अब हम लोग जाने लगे हैं मरब्बे शरब्बे यानी अपने खेतों में। अभी तो हम लोग अपनी हवेली में आए थे, अभी जूते झाड़ रहे हैं, जूते झाड़ के अंदर बैठना अली का ऑर्डर है। गड्डी गंदी नहीं करनी हूँ, असि भी जाके गड्डी च बह जाइए। चलो जी गाइस, हम लोग हमने खेतों शेतों में पहुंच गए हैं, ठीक है। ये हमारे ही कौन सा है मरब्बा? ये सारे ही हमारे हैं, ये दो। हाँ, दो पहले हम लोग किसी और के मरब्बे में रुक गए थे, ठीक है। अली कहते हैं थे ही रोक जाते, उसको पता नहीं था लगी हुई है। हाँ अभी हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। फिर हमारे शेबी भाई ने कहा ऐ साडा मुरब्बा नहीं था, अगे चलो हुने साडा अगे मुरब्बा आएगा। ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये सारा नहीं नहीं है, अपना ही है। आ सामने जेड़े ना, देखो वाला ए नीचे दिखाओ। हाँ सारे आप पठे आपने बीजे ने, ठीक है। अजे बकरे ने पठे पाए ना उथे। हाँ हाँ, इथो वाड़ के लेके जाना मैं, ठीक है। ये सारे वो दूर दूर तक सारे पठे। अभी आपा गोला भी खावांगे इथे, तो क्या खाएंगे? गोला की हुंदिया ने गोला। अच्छा शतूत, हाँ शतूत का तो पता है, शतूत खाएंगे। ठीक है, बीजी आया वा, दिखाओ वाम नु ए जरा छली नहीं छली आप खाई दी है। हाँ। ए जो बड़े होंगे ना छली लगेगी, ठीक है। शेबी भाई हमें वो चीजें दिखाई जिसके ऊपर कुछ लगा हो, ताकि उसे कोई तोड़ तोड़ के दिखाई दे। खाई है क्या ना? गोला गोला लगिया वा, पर वो छोटा है, एक छोटा है शतूत है और बच्चा है ये, निके निके लगिया वा। ये देखे जी गाइस, कव्वे बेचारे जो है ना नहा रहे ना, वो ऐसे बैठे हुए है। बारिश हो रही है यहाँ पे और तेज होने लगी है बारिश। मुझे पहले ही बुखार था और मम्मा ने कहा था जान लगे अपनी दवाई लेके जाए, इससे गाड़ी नहीं रोकी डॉक्टर का पता। बारिश हो रही है और बारिश में यार जाते हुए पहले मुझे 100 बुखार था, मुझे 104 बुखार हो जाना है। और ये हमारा टिब्बा है, ये टिब्बा क्या होता है? खतरनाक नागिन नाग सकते दिखाओ।
अली मैं मूड में नहीं हूँ, पिज्जा खाने इस टाइम पिज्जा खाने नहीं मैं चल नागिन बन तुम ना बनो हमारा उस जैन नागिन बनेगा नहीं मैं नहीं पिज्जा खाता ओ बरकत बार की तरह पिज्जा खा के वो नहीं पलता वो नहीं इधर हम लोग निनाले का खाएंगे हम लोग वहाँ का कहाँ से लेके नहीं और शानी आ रहे थे बिकाया थे 10,000 रुपया लाया थे हमें नहीं स्वाद चल यार दिखा दे नागन नहीं यार मैंने नहीं आना डाल मर्जी है तेरी आप साहब चलो अली तुम ही करो छोड़ो सारे चलो शेबी भाई अली सारे पे पार नहीं शेबी भाई हमें करके दिखाएगा की बड़ा नागिन डांस एक नाग बन जाए एक नागिन बन जाए नागिन डांस करके चला नाग बन फिर तू मैं नागिन बन चल बन शेबी को देखो कितनी जल्दी उसके अंदर की नागिन जाग रही है एक मिनट चलो जी ये गाइस अब हम लोग नागिन डांस देखने लगे ये मेरी नागिन मैं इसका नाग ठीक है चलो नागिन 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 क्लैपिंग मैं इसको तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ चले तू भाई मेरी नागिन नुगिन नहीं है गाइस ये मेरी नागिन नहीं है तुम्हारे जैसे मेरे पीछे पीछे घूमते होते हैं मैं और कोई ढूंढ लूंगी ढूंढ लूंगी और फुल कैरेक्टर में आया वैसे भी और हमारे ये मामू जी गाड़ी में बैठे हुए हैं ठीक है इनकी तबीयत नहीं ठीक वो बाहर नहीं आ सकते थे ठीक है और हम भी फुल भीग भूख गए अब हम लोग भी बैठते हैं खाला देख के खाला किधर है गाइस खाले की इतनी बुरी स्टोरी है ना मेरे साथ बचपन में इसने इतना क्या बताऊं इस बार वही स्टोरी दोबारा से रिपीट होगी हमारे साथ क्या हुआ बचपन में गए थे गाँव आ जाएंगे पापा ने भी जाना है पापा आजे मामू पापा लाएगा बैरियर खाले पे ये जो आगे खाला आंदा है चलो उस पे आजे पापा ये मामू ही निकले पहले मामू कैसे मैं नहीं कर दी जो थले उधर ना भाई आई एम डॉन लक दे कड़ाके वाला डॉन मामू हमारे इस बात से जरूर फेमस हो गया लक दा कड़ाका पटाका वो देखो वो क्या आयशा वो क्या चीज है वो जो है बहुत ही बड़ा है नहीं नहीं वो जिसमें से धुआं निकल रहा है वो पठा 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 ते एहो टिबड़ा जी ये टिबड़ा एक मेरा छोटा पठा टिबड़ा और ये क्या थी इनू होंदे जो सिटिया तेनू मैं 10,00,000 रुपया इनाम दवां देखा ये हुसैन इसने मुझे पहले इसने मुझे जो है लाके दिए निमको फिर समझे लाके दिए जो है कैंडीज लाके दिए ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आप ना वाशरूम करदा वा ते ओ दा नाले गा रोड जांदा जेड़ा आपा मज्जा दूध पीने ना असि उना दा कठे लाके ते सट्टी दा देखो ए पहना ए ताकत हुंदी है ए पहना वा ए रोड़ियां रोड़ी वगैरह समझ लो के ए पहना वा अच्छा इनके अंदर डलेगा फिर बच्चा ने पट्ठे खाने ते फिर दूध दे विच फिर दे दे शाम ए ही घूमदा रहना गल्ला चेक करो चलो जी सब आगे लग गए हैं और हुसैन जैन पीछे रह गया हाँ। तबीयत खराब है माफी दे दें हाँ ये रही हमारी गंदम अब इसकी कटाई कब होगी है ने सुबह तक हो जानी सुबह शुरू अच्छा। हो जानी क्योंकि आज बारिश पहन लापिस ना माशाल्लाह बारिश पहन लापी तेरे ये सारी वहां तक गंदम ही है अब गंदम अपनी बिजी हुई है चलो जी गाइस हमने खाले पे पहुंच चुके हैं लेकिन हमारा खाला जो है वो सूख चुका है मैं नहीं टपना मैं कड़ाका निकल जाना आयशा जो है वो टाप चुकी है यहाँ से वहाँ ठीक है और हमारा ये सारा सूखा हो गया नहीं मैंने अब टाप के क्या करना है छोटे होते मैं टापने लगी थी इस अली ने मुझे अंदर फेंक दिया था चल रहा है कहाँ पे ये है पट्ठा अभी अभी आयशा ने मुझे बताया मैंने पहले से पूछा था ये क्या है चलो जी गाइस ये सारा गाँव है ठीक है किसको कह रहे हो मुझे कह रहे हो आयशा को चलो मैं आगे से हाँ हाँ कर रही हूँ ठीक है तुम्हारा नाम लिया उसने तो चलो जी गाइस ये देख रहे हैं सारा जो है गाँव ही गाँव हर जगह खेत ही खेत है इधर दिखा हुआ है भाई गन्ने ने जिधर चूपी देने ये छोटे छोटे ने इन्होंने बड़े होना जी गन्ने बड़े नहीं लगे गन्ने खत्म हो गया होना सीजन खत्म है गन्ने का उस साइड पे लग गए शुरू समझ लो कि ग्रोथ हो रही है बड़े होने
गाइस हम तो आए थे, हमने कहा था इधर कोई गन्ने शन्ने होंगे, शक्करकंदियां होंगी, छलियां होंगी, माल्टे होंगे, अमरूद होंगे, हमने भर भर के बोरियां लेके आनी है। इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ। अभी सर्दियां से अंदर सर्दियां होंगी, अमरूद है ने, और बारिश इतनी हो रही है कि हम लोग भीग रहे हैं। कहा है अमरूद? अमरूद है ने, पर चोरी देने आवे कना मिलेगा अपन कोई? एक एक दो दो खा रहे थे, चेक भी करिए पीछे आगे फिक्के। ओ दिखाओ, ओ कहां? ओ दूर देखो, ए देखो ना वो दूर। अच्छा ये इसके ऊपर लगे हुए हैं? हां एक अमरूद लगे हुए हैं। अपन लेके आने इन्ना गुना समझ लो के एक एक दो दो खाना के इन्ना गुना गुनाह लगता अपन अपन ले आने यार इन्ना गुना गुनाह लगता थोड़ा लगेगा उन्हें दे उन्हें तो थे वो बाबा सानू तो लगना सानू तो नरमा ही नहीं ऐसी आफत। चलो जी गाइस अब हम लोग वापस जाने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा नहीं चल सकते हैं, बारिश हो रही है और हमारा भी यही इरादा है कि वापस चले जाए हम लोग। हाँ और इस टाइम मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, क्या सी आंधी का और पिक्चर बना। चलो जी गाइस अब ये शेबी और अली जो है वो करने जा रहे हैं चोरियां, चोरी के अमरूद क्योंकि हमारे मुरब्बे में नहीं लगे हुए। ये देखें जी, ओए शेबी अली थोड़े वावा तोड़ के लिए आना। हाँ गुनाह तो मिलना ही मिलना, अस्तगफिरुल्लाह, पूछ के लेके आना उनसे। हाँ बस अब ये लोग भागे जा रहे हैं, अब हमारे अमरूद आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये देख लें कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है इस टाइम यहाँ पे। चलो जी गाइस फाइनली अली और शेबी अमरूद तोड़ तोड़ के ले आए। अब पता नहीं ये चोरी के लेके आए हैं या पूछ के लेके आए हैं, हम लोग देखते हैं। पूछ के पता चलेगा ना। हाँ क्या पता वो पूछ के लेके। अब हमारा क्या कसूर है, हमारे मुरब्बे में नहीं कुछ लगा हुआ तो बस ये गंदम लगी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ। गंदम तो अब हम कच्ची तोड़ के खा रहे हैं। गन्ने लगे हुए थे ऐसे लेकिन वो छोटे छोटे से है, वो भी नहीं हम तोड़ सकते। वो देखिए जी वो दूर से वो आ रहे हैं, ठीक है, वो सच्ची मुच्ची ले आए। और गाइस आप लोग एक मजे की बात बताऊं, हम लोग जब छोटे होते थे ना तब हमने माल्टे भी एक दो चोरी के खाए हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ना हम लोग, लेकिन फिर हम लोग पकड़े भी गए थे जिन अंकल का हमारे जो मुरब्बे हैं उनके साथ वाले मुरब्बे में लगे हुए थे कि नौ, हम लोग सारे गजन मिले हुए थे, हमने चोरी करके तार के खा लिए, उनको पता चल गया, उन्होंने हमें पकड़ लिया, हम सब रो रहे हैं ये वो। फिर हमने सोरी सोरी की, फिर उसके बाद उन्होंने हमें और ज्यादा दिए, तो कहते हैं लो बच्चों खाओ। अच्छा ढिड च पीड़ होनी और अच्छा मैं अपनी जो माल्टो वाली बात आई थी बाद में पता चला, जब उन अंकल ने पकड़ लिया उनको पता चला अच्छा हम इनके रिश्तेदार हैं, तो कहते हैं बच्चों तुम रोंदे पे हो, तुहाडा ही मुरब्बा भी आ, हमें पता ही था, हमें हम समझ रहे थे वो दूसरों का। तो ऐसे ऐसे भी बड़े सीन हुए ब्लंडर मारे, जितने मर्जी आप तो अली पक्की बात है बेटा, अगर हमारे पेट में दर्द हुई ना, यहाँ पे वॉश कर रहे हैं सारे घर के, सही है वो कह रहे हैं धो लो एक बार। धोने की जरूरत नहीं थी, बारिश हो रही है, धुल गए। मैं ये बताऊँ क्यों धो रहा हूँ, तुम्हारे जैसे कीड़े थे ऊपर छोटे छोटे। अली ने सारे चाकले ने थोड़े रखे ने, थोड़े का तीन मैंने लिए हैं, ये दे तीन ये रस्ते पर उधर कितने पड़े, सात खा के आया ना, रस्ते सात के आठ खा दे ने ने। मैं आवे क्या तेनु आप, मैं आवे क्या नु झूठ, मेनू आ लगे आगे के दो तू देखना पवे, मैं तेनु देखना वा, मैं जब पीछे मुड़ के देखा देखो मुझ पा लवे। गाइस अली के वाकई हरकतें ऐसी है, कोई भी चीज दुकान से भी लेके आता ना आधी रस्ते में खा के आता है ये, अभी भी इसकी स्पीड चेक करो। गाइस ये देखे मामू कहते पेट में दर्द होगी ये चोरी के अमरूद खाने से, तो खुद खा भी लिया, खा खो के हजम कर लिया, तो ऐ भी कहती सी मैं चोरी का अमरूद नहीं खा, नहीं खाता वैसे ना अली मिठे बड़े ने देख लो, नहीं यार चोरी नहीं कितनी पूछ के लाके आए, चोरी की चीज मीठी होती। चलो जी गाइस हम लोग यहाँ पे पिछले एक घंटे से आए, हम लोग पहले निकलने लगे थे लेकिन बारिश रुक गई, और फिर हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, खूब मस्ती की है, ये बच्चा पार्टी सारे खेल रहे हैं वहाँ पे, वो सब बैठे हुए हैं, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से मैंने खा ले यहाँ से टप्पे है। मैं कहते मुझे भी तो टपवा दो खाला। चलो जी गाइस ये सारे अब गाड़ी में जाके बैठ चुकी हैं, ठीक है, और मैं भी अब जाके बैठने लगी हूँ क्योंकि मेरी विंडो वाली साइड
साइड है, तो वो मेरा वेट कर रहे हैं। अभी ये देखें आप, चेक करें कितना अच्छा यहाँ पे सीन है, बहुत ही मज़े का मंजर है। हमारा तो जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शेबी भाई ने डराया हुआ, इनमें से निकलते हैं रात को साफ, और मुझे तो बहुत ज़्यादा इनसे डर लगता है। और मैं कह रही हूँ रात होने से पहले पहले हम लोग पहुँच जाए घर पे। हाँ चलो चलो चलो, वो कह रहे आप ही आ जाओ, सबको जल्दी पड़ी हुई है ना, आप ही जाके 500 रुपया गड्डी ला दे, अंदरों सारी लिबड़ गई है चिकन ना। हाँ गड्डी छोड़ो सारी जुत्ती मेरा, ये देखो पाँव का क्या हशर हुआ है, ठीक है। और ये शुक्र है मैं खाले में गिरते गिरते बच गई हूँ। तो अब हम जल्दी से बैठने लगे हैं गाड़ी में, ताकि हम लोग पहुंचे घर पे, जाए जल्दी। चलो अमना मुझे भी जगह दो, ये देखो जी यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं सब। चले जी गाइस, हम लोग गाड़ी में फंस फसा के बैठ चुके हैं, ठीक है। और ये अब हम लोग जा रहे हैं सारे हाँ, अभी हम लोग खेतों में ही पास जाना, उधर मैंने तुमको फेंकना। अरे तो फिर शुरू हो गए हो, फिर क्या, मेरी जिंदगी तुमने ना फना कर दिया, बर्बाद कर दिया। गाइस चेक करो मेरा मासूम ने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने इसकी जिंदगी तबाह और फना कर दी है, ठीक है। मुझे तुमने कुछ भी किया ना, मम्मा ने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो कोई बात नहीं, एक दो दिन नाराज रहेंगी, कोई नई पापा की परी है। ये देखें जी अलविदा हमारा मुरब्बा हम बचपन में आते थे यहाँ पे, और अब हम काफी अरसे के बाद आए हैं। हाँ चलो जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़ सब मेरा बेको आपको नहीं और हमारे अमरूदों को भी। आप ही जे तो सड़ देगा वो है, जे धुआं निकलन दिया वा उधर, लाल धुआं निकलेगा क्योंकि तेरा खून तो लाल होना अपना। ये चेक करो गाइस, ये सारे मिले हुए हैं और कह रहे हैं तुम्हें वहाँ पे फेंक देना है। शेबी और अली साहब मिले हुए हैं, इन लोगों की तो हम लोग ना क्लास लगवाते हैं। चलो जी गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और हमने फुल इंजॉय किया है, ठीक है। और अली की अभी भी ड्यूटी लगी हुई है, वो गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं हवेली। और ये मामी जी यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही है, मैं तो जब देखती हूँ मामी कुछ ना कुछ कर ही रही होती है, तो पूरा घर उनके उनके सर पे ही है, चलता है। और मम्मा जी को देखते हैं, मम्मा जी क्या कर रही हैं। ये बैठी हैं माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फिर आए हो, हाँ बड़ा मजा आया आपके खेत छे देखे हैं। ये मेरी मम्मा जी जो है ना, बताएं क्या क्या करती थी। और मेरी तबीयत नहीं ठीक, हूँ मैं कहीं दसा जरा कुछ करते सी ओही दसना वा। बड़े साल हो गए ने इस गल नु करदे, किसी पट्टे वड्डी दे सी, कमा छिली दा सी, गंदम कटे दी सी, सारे काम करदे सी उथे। और मेरी मम्मा बिल्कुल ऐसे होती थी, ऐसे तेरी कापी सी जैसे आप हो अभी वैसे थी आप। हाँ मैं आप लोगों को मम्मा की पुरानी वाली पिक्चर्स भी जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। मेरी मम्मा माशाल्लाह से बड़ी प्यारी होती थी, और सारे काम शाम मम्मा ने किए हुए हैं खेतों के। और मैं मम्मा जी वहाँ पे आपकी जो छोटी छोटी बकरियां नहीं होती जिनका आप हमें बताती हैं, मम्मा की दोस्ती होती थी छोटी छोटी सी, वो लेलियां शेलियां, उनसे भी मिल के आई हूँ। बड़ी क्यूट सी थी, व्हाइट और ब्लैक कलर की, और हवेली में भी गए हैं, मुरब्बों में भी गए हैं। वीडियो बनाई थी ना, हाँ वो देखा ना व्हाइट वाली कैसे मेरे साथ चिपक रही थी, वो पीछे ही नहीं हट रही थी। चलो जी यहाँ पे बर्तन वगैरह रख रहे हैं, अब हम लोग कुछ खा पी लें, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। हम लोग का करते हैं यहीं पे एंड। और आप लोगों को एक मजे की चीज दिखाती हूँ, वो देखो जी आयशा का सिल्वर प्ले बटन, अंदर लाइट ऑफ है। तो चले जी ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज़। और मामू जी आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और गंदे गंदे कमेंट ना किया करें, और खुद करने की कोशिश, कुछ हौसला रखें काम करने का, जो काम कर रहे हैं उनको डीमोनेटाइज ना किया करें। ये मेरे मामू की माशाल्लाह से सोच बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे मामू मेरे पापा वगैरह ये इन्होंने कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया, ठीक है। हाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए और इनको गोल्डन प्ले बटन भी दिलवाए, ठीक है। हाँ चोरी करके अमरूद खाए, मैं सिर्फ एक ही खाया मैंने, नहीं चोरी करके नहीं खाए, वो हम लोगों ने पूछ लिया था बाद में उनसे, बाद में पूछा था। कोई के हजम करके फिर ऐसे पूछ लिया। वैसे मामू अमरूद सी बड़े मीठे है ना, मजा आया गाइस अमरूद खा के। चलो जी ठीक है जी, ओके जी अल्लाह हाफिज़। और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।